Joder. ओम ज्ञान तिमिरां दस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धुजगत्पते गोपेशगोपिकाकान्त श्रीराधाकान्तनमस्तुते। तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 वो। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, गतकल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री हरिदास ठाकुर जी का कथा। श्रीमन महाप्रभु को साथ में हरिदास ठाकुर जी की बहुत सारी कथाएं, इसलिए आज भी कुछ हम सुनेंगे। महाप्रभु जब श्री नवद्वीप धाम में रहते थे, एक दिन महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु को बुलाए, बोले सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, आमार आज्ञा सर्वत्र रह कर प्रकाश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाएं गुरु हैया तार ऐ देश। मतलब है, बोले हे हरिदास ठाकुर, हे नित्यानंद, ये मेरी आदेश है। बोले क्या आदेश है? बोले हर घर घर में जाओ, जा करके सबसे भिक्षा मांगो। बोले किस चीज की भिक्षा मांगो? तब उन्हें बोले तीन चीज की भिक्षा मांगना। तीन चीज क्या है कल सुनूंगा आप लोग से, आज अच्छे तरह सुनूंगा। इसलिए पहला भिक्षा है बोलो कृष्ण, बोलना तो केवल कृष्ण ही बोलना, भज कृष्ण, भजन करना तो कृष्ण को भजन करना, करो कृष्ण शिक्षा। अगर जीवन में किसी चीज की शिक्षा बनना चाहते हो केवल कृष्ण भक्ति को ही शिक्षा प्राप्त करना, यही तीन चीज ही भिक्षा मांगना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं महाप्रभु का बहुत सारे भक्त थे, लेकिन उन्होंने केवल दो व्यक्ति को ही क्यों उन्होंने आदेश दिया, एक नित्यानंद प्रभु एक हरिदास ठाकुर। तो इसको पीछे श्रील प्रभुपाद इसका चार कारण बताते हैं। ठीक है, आज ये चार कारण बताऊंगा, फिर कल आपसे मैं सुनूंगा, देखूंगा आपका याद है कि नहीं। पहला कारण है महाप्रभु सोच रहे हैं अगर केवल श्री नित्यानंद प्रभु को भेजूं, नित्यानंद प्रभु कौन है? साधारण रूप में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म हुए, इसलिए अगर नित्यानंद प्रभु को भेजता हूं, अगर नित्यानंद प्रभु प्रचार करने के लिए जाए, लोग क्या सोचेंगे? अरे जो भजन है ना, जो केवल ब्राह्मण कुल में जन्म हुए हैं केवल वही भजन कर सकते हैं, और कोई भजन कर ही नहीं सकते।
इसलिए केवल ब्राह्मण लोग ही आएंगे। अगर केवल हरिदास ठाकुर जी को प्रचार के लिए भेजियो, फिर लोग बोलेंगे अरे ये तो मुसलमान का धर्म है, ये छोटे जाति लोगों का धर्म है, इसमें इसमें छोटे जाति का लोग आएंगे। अगर मैंने अगर ये दो व्यक्ति को अगर मैं भेजता हूँ फिर क्या होगा, कहते जय भजे सही बड़ा अभक्त ही निचार, कृष्ण भजन नाही जाती कुलादि विचार। मतलब है जो भजन करता है वही बड़ा है, कृष्ण भजन में कोई जात कुल का कोई विचार नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जात पात पूछ ना कोई, हरि का भजा सो हरि का होई। भक्ति में जात पात का कोई विचार नहीं, जो भगवान को भजन करता है वो भगवान का ही बन जाता है। इसलिए उन्होंने भगवान की भजन में सबका अधिकार है, क्योंकि जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जो जीव है वो भगवान का नित्य सेवक है, नित्य दास है, इसलिए भजन में सभी का अधिकार है, हैं? इसलिए उन्होंने ये दो व्यक्ति को भेजा। किसको भेजा? नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को भेजे। मतलब छोटे से छोटे जाति, बड़े से बड़े जाति, सबके सब भगवान के भजन में सभी का अधिकार। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है इन्होंने भिक्षा मांगने के लिए भेजा, जाओ घर घर में भिक्षा मांगो। प्रश्न है भिक्षा कौन मांगता है? कहते जो बेगर है, जो भिखारी वो भिक्षा मांगता है। लेकिन ये दो तो साधारण कोई है नहीं, एक तो नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु कौन है? बोले शंकर सन कारण तो ये साई, गर्भोद साई च पयब्धि साई, शशांश जस्यांश सकला सौ नित्यानंदाख्य रामम शरणम प्रपद्ये। नित्यानंद प्रभु ये मूल संकर्षण है, इनसे ही कहते कारण दशाई गर्भ दशाई खिराब दिशाई और उससे से जितने हैं सबके सब इनसे प्रकट होते हैं, और जितने सारे अवतार ये श्री कारण दशाई से प्रकट होते हैं। इसलिए एक ब्रह्मांड नहीं अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है। भिक्षा कौन मांगता है? जिसको पास में जो चीज है ही नहीं, तभी तो भिक्षा मांगता है ना, है? तभी तो भिक्षा मांगता है, हमारे पास में नहीं, हमें कुछ हीरो दे दो पैसा दे दो। लेकिन ये तो सारा दुनिया की मालिक। दूसरे व्यक्ति कौन? श्री हरिदास ठाकुर। बोले हरिदास ठाकुर कौन? बोले ब्रह्मा। बोले ब्रह्मा कौन? बोले ये दुनिया को जिसने 14 ब्रह्मांड को जिसने सृष्टि किया है। अभी ये दोनों ही बड़े हाई भाई व्यक्ति है, बड़े धनी वानी दुनिया का, एक तो एक ब्रह्मांड का मालिक, दूसरे अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक। फिर इनको बोल रहे भिक्षा मांगने के लिए जाओ। अभी जो जितने बड़े व्यक्ति होता है ना उसका उतना बड़ा भिक्षा देना पड़ता है। अगर हमारे पास में पैसा नहीं फिर हम पैसा के लिए मांगे, लेकिन ये तो मालिक दुनिया की, फिर इनको क्यों भेजा? इसलिए इसलिए इनको भेजा, ये कोई छोटे मोटे चीज को भिक्षा मांगने नहीं जा रहे हैं। ये जो भिक्षा मांगने जा रहे हैं ना, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण सिख्या, वो कृष्ण भक्ति को प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, कृष्ण भक्ति को मांगने के लिए जा रहे हैं। और सबके सब उपदेश दे रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब बहुत बड़ी एक चीज को भिक्षा मांगने जा रहे हैं। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है उनकी भक्ति प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये दो व्यक्ति को उन्होंने भेजा है, जाओ। तीसरा कारण बताए ये क्यों हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु को भेजा भिक्षा मांगने के लिए, इसका कारण बताए। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर कौन है? एक तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक और एक ब्रह्मांड का मालिक, जिन्होंने ये ब्रह्मांड को सृष्टि किया है। जैसे नियम होता है आप किसी बच्चे को जब जन्म देते हो आपका क्या कर्तव्य है? बच्चे को पालन करो, ये आपका कर्तव्य है ना, बच्चे को पालन करना, लिखाओ पढ़ाओ बड़ा बनाओ उसको सही रास्ता पर चलाओ, ये कर्तव्य है। अभी ये दुनिया का सृष्टि करने वाले यही है, जब इन्हीं यही सृष्टि करने वाले इनके ऊपर दायित्व भी है। क्या दायित्व है?
ये दुनिया को भी पालन करनी चाहिए। जब सृष्टि किया, जन्म दिया, उसको पालन करो। अब इनको पालन कैसे करनी चाहिए? खाना पीना देख रहे तो एक तरह का पालन है, लेकिन ये पालन सबसे बड़ी पालन नहीं। इसलिए भागवत में बताया, गुरु न सस्यात् सो जनन्य न सस्यात् पिता न सस्यात् दैवम न तत्सरणम न पतिम सस्यात् न मोचेत जह समपेत मृत्यु। इसलिए श्री ऋषभ देव बच्चों को शिक्षा दे रहे, बोले हे बच्चों, वही पिता पिता है, वही माता माता है, वही बंधु बंधु है, वही देवता देवता है। कौन है? अगर जीव का जो जिस काम के लिए जीवन मिला है, किस लिए ये जीवन मिला है, हैं? आए थे हरि भजन को ओटन लग कपास, इसलिए ये जीवन इसलिए मिला, भगवान की भजन करने के लिए ही मिला है। ये मानव से अपने नहीं, कहते साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सवारा। इसलिए भगवान राम अयोध्या वासियों को बैठा कर समझा रहे हैं, बोले हे अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर नहीं, ये कोहिनूर हीरे, कोहिनूर हीरे भगवान दिए, ये अनमोल वस्तु दिए। इसलिए बड़े भाग मा नसतन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, ये बड़े भाग्य से मिला है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ ये मानव शरीर दिया है। बोले क्यों दिया? बोले साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, मतलब यही शरीर ही 84 लाख जन्म में केवल एक ही जन्म मिला, जिस जन्म से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। 84 लाख जीवन में किसको बोले राम राम कृष्ण कृष्ण बोले? कोई नहीं बोल सकता है, हैं? कोई नहीं बोल सकता है। बोले जाकर सत्संग में बैठो, प्रभु की कथा सुनो, केवल इंसान ही सुन सकता है। बोले जाओ ठाकुर का दर्शन करो, कौन देख सकता है? इंसान ही ठाकुर को दर्शन कर सकता है। कोई बोले ठाकुर जी का थोड़ी सी हृदय में स्मरण कर, कौन कर सकता है? इंसान ही कर सकता है, हैं? घर से यहाँ तक चल करके आए हो कथा सुनने के लिए, कौन? कुत्ते गधे क्या कोई आया है? कौन आए हैं? इंसान ही आया है। इसलिए बोले ये मानव शरीर नहीं, कहते ये साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, कहते इसी जीवन में ही भगवान की भक्ति साधन कर सकते हैं, और ये मुक्ति के दरवाजा पर हम खड़े हुए हैं। मानव शरीर नहीं, ये मुक्ति के दरवाजा, मतलब पाए न जय पर लोक सवारा, लेकिन ये मानव शरीर पा करके जो परलोक को सुधारने के लिए कोशिश नहीं किया, मतलब भगवत प्राप्ति करने के लिए जो कोशिश नहीं किया, तब भगवान राम कहते हैं फिर तो सर दूसरे जीवन में पिटते रह जाओगे, लेकिन ये मानव शरीर नहीं मिलेगा, फिर तो पेड़ पौधा गधे कुत्ते होकर जन्म लोगे, फिर वही 84 लाख जीवन में पटकोगे। इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को भेजे, तुमने ये जगत को सृष्टि किए हो, तुम्हारा कर्तव्य दुनिया को पालन करना। बोले कैसे पालन करनी चाहिए? बोले केवल खाना पीना देकर के पालन पालन है एक तरह का पालन, लेकिन ये संपूर्ण पालन नहीं। तभी पालन होता है जब हम इनको भगवान की भक्ति का तरफ में ले जाए, भगवान की भजन की शिक्षा दे, यही पालन ही पालन है। इसलिए सुमित्रा कहती हैं, पुत्रवती जुबती जगत सोई रघुपति भक्ति जासूसुत होई, मतलब उसी माँ को उसी पिता माता को जन्म देना सार्थकता है। अगर बच्चों को भगवान की भजन में लगा पाओगे तो, नहीं तो कह देती हैं बांझ होकर के रहो, बच्चे जन्म मत दो, अगर बच्चों को प्रभु का भजन में नहीं लगा पाओगे तो। इसलिए उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु श्री हरिदास ठाकुर को भेजे, भले जाओ दरवाजा दरवाजा में जा करके अपना झोली फैला करके सबसे भिक्षा मांगो, हैं? सबसे भगवान की भजन करने की शिक्षा प्रदान करो, हैं? शिक्षा प्रदान करो। कहती ये एक कारण हो गया। कितना कारण हो गया? 3 कारण हो गया। बोले 14 कारण क्या है? बोले इसलिए हरिदास ठाकुर को भेजा और नित्यानंद प्रभु को भेजा। नित्यानंद प्रभु कौन है? बोले ये आदि गुरु है, ये आदि गुरु तत्व श्री नित्यानंद प्रभु। इसलिए शिक्षा देते हैं, सबसे पहले जीव का कर्तव्य है श्री नित्यानंद प्रभु का शरण में आए, मतलब उनका अभिन्न स्वरूप श्री गुरुपाद पद्म का शरण में जीव सबसे पहले जाए, हैं?
श्री नित्यानंद प्रभु गुरु जी का शरण ग्रहण करे, लेकिन इस शरण ग्रहण करके करेगा क्या? गुरुदेव हमें क्या देते हैं? गुरुदेव माला जोड़ी देते हैं, भगवान का नाम देते हैं। इसलिए नाम किससे ग्रहण करे? बोले हरिदास ठाकुर से। हरिदास ठाकुर कौन है? श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, वो नाम का आचार्य श्री हरिदास ठाकुर। इसलिए गुरु की शरणापन्न होकर के और हरिदास ठाकुर जी से भगवान का नाम ग्रहण करो, और हरिदास ठाकुर जैसे हाँ जैसे हरि नाम कीर्तन करते थे, हरि नाम जप करते थे, उनसे हरि नाम ग्रहण करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरि नाम कीर्तन करो। इसलिए इन्होंने ये दो व्यक्ति को भेजा। अभी महाप्रभु का आदेश है, क्या आदेश है? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाए गुरु हैया तारे ए देश। मतलब है जिसको देखो हैं, जारे देखो तारे कहो, जिसको देखो उसको ही बोलो हैं, क्या बोलो? भगवान का भजन करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की भक्ति की शिक्षा करो हैं। आप प्रति घरे घरे गया, हर घर घर में जाओ और यही चीज की भिक्षा मांगो। जब महाप्रभु का आदेश दिए, उन्होंने बोले भज कृष्ण, किसको भजन करनी चाहिए? बोले दूसरे देवा देवी को भजन नहीं करनी चाहिए, भजन करना तो केवल कृष्ण ही भजन करो। बोले भैया और भी तो बहुत सारे देवा देवी है, हमारे भारत में तो 33 करोड़ देवा देवी है, फिर केवल कृष्ण भजन क्यों करे? बोले कृष्ण भजन से कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, जत गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परम मम। अगर मुझे भजन करोगे तो तुम मेरे पास में आओगे, और जहाँ जाने पर जीव कभी ये जगत में नहीं आते हैं। अगर दूसरे देवा देवी को भजन करोगे, बोले जानती देव व्रता देवान, पितृ नि जानती पितृव्रता, भूतान नि जानती भूते ज्या माम जजनापि माम। हाँ, जो जिसको उपासना करता है उसकी लोक में जाते हैं। अगर तुम देवा देवी पूजा करोगे, देवा देवी लोक में जाओगे, पितृ मातृ उपासना करोगे, पितृलोक में जाओगे। अगर तुम अगर जीव सेवा करोगे, फिर इस जीव लोक में आओगे। अगर तुम मेरी सेवा करोगे तो मेरे पास में जाओगे हैं। लेकिन इनकी सेवा करने से, इनकी भक्ति करने से एक दिन वो नश्वर है, लेकिन जो मेरी भक्ति है वो शाश्वत नित्य केवल, वो मेरी भक्ति ही नित्य है। इसलिए भज कृष्ण, केवल कृष्ण का ही भजन करो, भज कृष्ण, कहते और किसकी भजन मत करो। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं हमें कृष्ण भक्ति क्यों करनी चाहिए। जब उन्होंने पुतना की कथा हुई, जब भगवान कृष्ण पुतना को मारे और अपना गोलोक वृंदावन में उनको दे दिया, तब एक श्लोक कहते हैं, भले अहो बकियम पुतना लोकवालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिज्ञासयापि हरे स्तनम दत्वा अपसद्गति। वो कह रहे हैं भक्ति कर तो केवल कृष्ण भक्ति करो, और किसी भक्ति मत करो। बोले क्यों? कारण क्या? बोले कारण है कृष्ण बड़े दयालु, कृष्ण बहुत दयालु। तो उन्होंने उदाहरण दिया, जब पुतना कृष्ण के पास में गई थी, उसके अंदर में सारे दुर्गुण हैं। पहला नंबर उपुतना, पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं मतलब अपवित्र। फिर उसका काम क्या था? बोले बच्चों का खून पीते थी। बोले तीसरा नंबर में वो राक्षस थी। चौथा नंबर में भगवान के लिए वो जहर लेकर गई थी, स्तन में कालकुटु जहर लेकर गई थी। उसको अंदर में सारे अपगुण ही अपगुण है, कोई गुण है ही नहीं। लेकिन कृष्ण इतने दयालु, बोले गुण अवगुण प्रभु देखा ओ न काहूं। भगवान किसकी अपगुण का प्रति नजर ही नहीं देते हैं, हैं? भगवान बड़े दयालु, केवल उसकी सद्गुण को में ही केवल नजर देते हैं, हैं? इसलिए वो इतने राक्षस थी, लेकिन भगवान स्थान क्या दे दिया? स्थान दे दिया उनको गोलोक वृंदावन में, धाई मैया की स्थान दे दी। फिर विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, बोले पुतना वो थी अपवित्र थी। जो अपवित्र होकर के भगवान को पास में गई,
और भगवान कहाँ दे दिया, गोलोक वृंदावन। अगर कोई ठाकुर के पास में आए थोड़ी सी स्नान करके हैं और थोड़े से अच्छे कपड़े पहन करके आए तो फिर ठाकुर उसको क्या नहीं देंगे। अगर अपवित्र व्यक्ति को इतना स्थान दे सकते हैं, भगवान के लिए क्या लेकर के आई थी, बोले 20 लेकर के आई थी। बोले 20 देने वाले व्यक्ति को अगर ठाकुर जी इतने बड़े पोस्ट दे सकते हैं, अगर ठाकुर जी को पास में केवल सद्भावना थोड़ी सी लेकर के जाओ, हैं सद्भावना लेकर के जाओ, नहीं तो ठाकुर जी के लिए कोई एक माला लेकर के जाओ, नहीं तो ठाकुर जी के लिए कोई एक फल लेकर के जाओ, नहीं तो ठाकुर को जो प्यारा चीज है मक्खन मिश्री, थोड़ी सी अगर मक्खन मिश्री लेकर के ठाकुर जी के लिए जाओ तो पता नहीं भगवान फिर उसको क्या नहीं देंगे, हैं क्या नहीं देंगे। इसलिए बोले राक्षसी, तीसरे नंबर में वो राक्षसी थी। अगर कोई राक्षसी अगर भगवान के पास में जाते हैं, अगर भगवान उसको बोलो को वृंदावन स्थान देते हैं, अगर कोई इंसान जाए तो, नहीं तो उनको कोई भक्ति करने वाले व्यक्ति जाए तो फिर भगवान उसको क्या नहीं देंगे, हैं उसको क्या नहीं देंगे। इसलिए बोले लोग को बालाग्नि, वो करती थी क्या काम किया, बोले बच्चों को खून पीती थी, बच्चों को खून पीती थी। हैं अगर ऐसे व्यक्ति अगर कोई भगवान की भक्त चली जाए फिर ठाकुर क्या नहीं देंगे। कहते किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाया परमात्मनि, अगर भगवान के पास में थोड़ी सी भक्ता श्रद्धा लेकर के जाओ ठाकुर क्या नहीं देंगे। इसलिए कहते भैया भजन किसको करनी चाहिए, भज कृष्ण, केवल कृष्ण भजन करो, हैं क्योंकि और जितने देवा देवियों का भजन है, कृष्ण कहते हैं आमी विज्ञ से ही अज्ञ विषय कन दिव सो चरणामृत दिया विषय बुलाए, हैं कहते अगर दूसरे दूसरे देवा देवी को भजन करोगे ना, तुम जो मांगोगे वही दे करके संसार में बांध देंगे, और वो जो वस्तु देंगे संसार के वस्तु देंगे, और ये जन्म मृत्यु का चक्कर में भगवान उसको उसी में ही भटकते रहो, जन्म जन्मांतर कर्म का फल को लेकर के एक जीवन में दूसरे दूसरे से तीसरे तीसरे चौथे ऐसे भटकते रहो। लेकिन भगवान के भजन में एक विशेषत्व है, भगवान कहते हैं भैया मैं तो पंडित हूँ ना, इसलिए कहते अकाम सर्व काम वा मुक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगेन जजेत पुरुषम परम। कहते हैं कुछ कुछ लोगों का धारणा है अरे कृष्ण भजन करने के लिए ना जो निष्काम और जो मुक्ति चाहते वो तो भगवान कृष्ण को पूजा करते हैं, लेकिन हमें तो बीवी चाहिए, बच्चे चाहिए, दुकान मकान गाड़ी हैं, हमें तो ये सब दुनिया की सारी चीज चाहिए, हम किसको भजन करेंगे। बोले शंकर जी को, वो बहुत जल्दी खुश हो जाते, आशुतोष बाबा, मैया देवी को पूजा करेंगे, हनुमान जी को, गणेश जी को, ये जल्दी जल्दी ना ये संसार की वस्तु स्त्री पुत्र परिवार सब दे देंगे। लेकिन इसे सुखदेव गोस्वामी कहते नहीं, बोले अकाम, अकाम मतलब होता है अगर निष्काम हो करके हो तो, बोले सर्व काम सब चीज में चाहिए, बढ़िया मकान चाहिए, बढ़िया दुकान चाहिए, बढ़िया गाड़ी चाहिए, बढ़िया स्त्री चाहिए, बढ़िया संतान चाहिए, अगर तुम्हें चाहिए तो किसको भजन करो, बोले भगवान की। बोले मोक्ष काम, अगर मुक्ति की कामना भी करना चाहते हो किसको भजन करो, बोले भगवान की, हैं भगवान की भक्ति करो, वो जो चीज दे सकते हैं ना दुनिया में और कोई देवा देवी वो वस्तु नहीं दे सकते हैं। इसलिए देखो भागवत में जितने कृष्ण भक्त देखो, अम्बरीश महाराज राजा नहीं महाराज, ध्रुव महाराज, प्रह्लाद महाराज, भरत महाराज, युधिष्ठिर महाराज, इसलिए जितने कृष्ण भक्त हुए ना वो राजा नहीं हुए, सबके सब महाराज हुए, महाराज हुए। इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या किया, पांडवों का पक्ष लिया, पूरा दुर्योधन का वंश खत्म कर दिए, और अर्जुन पांडवों को कहते बढ़िया स्त्री पाना चाहते हो ना, बढ़िया सुंदर स्त्री, बोले भगवान की भजन करो वही बढ़िया स्त्री देंगे तुम्हें। द्रौपदी उसी समय विश्व सुंदरी थी द्रौपदी, उसको सारा दुनिया पाने के लिए तरस रहे थे, सारा दुनिया पाने के लिए उसको तरस रहे थे, वहाँ पर दुर्योधन कर्ण दुशासन सारा दुनिया वहाँ पर आए थे। लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं, जगत में अगर सबसे कोई सुंदर स्त्री मिलेगा ना मेरे भक्तों को मिलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने कोई भी वो लक्ष्य भेद नहीं कर पाए। किसको द्वारा कराया, अर्जुन को द्वारा कराया है। और कृष्ण का जो बहन थी सुभद्रा बहुत ही सुंदर थी, दुर्योधन तो पागल हो गया था उसको पीछे, कृष्ण बोले नहीं
कृष्ण बोले नहीं, मैं साला सबका थोड़ी साला बनूंगा, मैं अपना भक्तों का ही साला बनूंगा, इसलिए साला बनूंगा, तो अर्जुन का साला बनूंगा, सबका साला नहीं बनूंगा मैं। इसलिए उन्होंने केवल अर्जुन को दिला, उल्लू पी वो गए थे हैं, इसलिए उल्लू पी कहते बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका जो पत्नी अर्जुन का पत्नी बनी है, इसलिए कहते अगर सुंदर से सुंदर स्त्री, सुंदर से सुंदर पति, सुंदर से सुंदर घर चाहते हो ना, भगवान की भक्ति करो, उनकी कृपा से सुंदर सब चीज उनकी कृपा से, वही सब चीज तुमको देने वाले हैं, वही सब चीज देने वाले। इसलिए ध्रुव जी को उनकी भक्ति में एक विशेषत्व है, भगवान कहते हैं सही अज्ञ वो मूर्ख है, वो धन दौलत को लेकर के प्रार्थना करता है, आमी विज्ञ मैं तो पंडित हूँ, विषय गण दिव वो बीस बीस जो विषय नहीं वो बीस है, हैं वो बीस क्यों दूं, कहते सोच चरणा मृत दिया विषय भुलाई वो, मेरी भक्ति करने से उसको मैंने बीस को भुला देता हूँ, अपना चरण की प्रेम दे करके विषय को मैं भुला देता हूँ। जैसे ध्रुव महाराज भजन के लिए गए, पहले तो इसलिए गए थे देश का राजा बनूंगा, मैया को राजमाता बनाऊंगा, लेकिन जब भगवत दर्शन हुई सब भूल गए, भगवान बोले मांगो जो कुछ मांगना चाहते मांगो, मैं ऐसे के देवता हूँ सब कुछ मैं दे सकता हूँ, जी भर करके मांग लो। बोले प्रभु पहले मैं बेकूफ था, मूर्ख था, इसलिए धन लोभ से आया था, अगर कोई कांच की टुकड़े ढूंढते ढूंढते अगर उसको मणि मिल जाए जगत में से कौन सा मूर्ख होगा जो कि कांच के टुकड़े हैं कांच के टुकड़े ग्रहण करेगा। प्रभु मैं संतुष्ट हो गया हूँ, आपका चरण तो देवता ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, आपके चरण के हमें भक्ति प्रदान करो। भगवान ने क्या दिया, भगवान ने क्या दिया उसको, वो मांग नहीं रहा है हमें नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने क्या दिया, बोले जाओ तुम लोगों नहीं ना मैं देता हूँ संपूर्ण ये पृथ्वी का एक अक्षत्र राज्य तो करो 36,000 साल तक दिव्य, और उसको बाद में जैसे मेरे एक वैकुंठ है तेरे लिए भी एक वैकुंठ बनाऊंगा, जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक तेरे को ध्रुव लोक रूप में स्मरण करेंगी, भगवान उनके लिए एक ध्रुव लोक वैकुंठ बना दिया। इसलिए भगवान की भक्ति से इसी जगत का तो इतने वैभव, जगत का इतने संपत्ति मिलेगा जो सोच भी नहीं सकते हैं, और उसको बाद में भी आनंद आनंद है। इसलिए कहते भज कृष्ण, किसको भजन करनी चाहिए, कृष्ण भजन करनी चाहिए, हाँ दूसरे देवा देवी नहीं, दूसरे देवा देवी भक्ति करने से वो थोड़े समय के लिए जैसे रावण, रावण शंकर जी को पूजा किया सोने की लंका तो मिली लेकिन एक दिन सब ध्वंस हो गया, बित्रासुर बिकासुर वो भी शंकर जी की भजन की लेकिन एक दिन सब खत्म, हाँ नाम खत्म, सारा दुनिया निंदा करते हैं उनकी, हाँ देवी देवता सब उठाकर देख लो जिन जिनियों ने भजन किया सब खत्म एक दिन हो गया और एक दिन नरक गए सब के सब, लेकिन जो भगवान की भक्ति किया उनका पद सबसे, इसलिए कहते भज कृष्ण सब के सिखा दो कृष्ण भजन करे, भज कृष्ण दूसरा शब्द बोले बोलो कृष्ण, भजन करना तो कृष्ण भजन करो और बोलना तो किसका नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलना तो कृष्ण ही बोलो, क्यों और कोई शब्द मत बोला करो, क्योंकि जितने शब्द है तभी ये शब्द का सार्थकता है जब ये शब्द भगवान को लक्ष्य करता है, हैं इसलिए जब भगवान को शब्द लक्ष्य करेगा तभी ये शब्द की सार्थकता है, अगर ये शब्द अगर भगवान को लक्ष्य नहीं करता है कह दो शब्द बेकार है और शब्द की कोई महत्व नहीं। इसलिए महाप्रभु जो गया से पिंड दे करके आए ना गुरु जी को, अपना गुरु जी को पास में जब आए महाप्रभु स्वयं हैं सूत्र वृत्ति टिकाए सकल हरिनाम, महाप्रभु कह रहे हैं ऐसे कौन सा सूत्र नहीं, ऐसे संधि मतलब क्या होता है, संधि मतलब एक भगवान का चरण और हमारे के मन, जब दोनों मिल जाए संधि हो जाता है, हैं ये संधि है। बोले धातु शब्द रूप धातु रूप, धातु रूप में कौन शरीर में बैठे हुए, भगवान ही बैठे हुए, अगर धातु चली जाए तो सब जीवन ही खत्म हो जाता है। इसलिए
इसलिए बोलो कृष्णा, अगर कृष्ण बोलोगे तो क्या होगा, कृष्ण बोलने से क्या होगा। महाप्रभु कहते चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधो जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम। अगर भगवान का कृष्ण नाम लोगे चित्तरूपी दर्पण साफ हो जाएगी, संसार का दुख कष्ट खत्म हो जाएगी, एक दिन हृदय खिल जाएगा, हृदय खिल जाएगा, ये जीवन तुम्हारी धन्य हो जाएगी, विद्या धन्य हो जाएगी, प्रति पद पद में एक नई नई आनंद की अनुभूति होगी, एक दिन ऐसा आएगा कृष्ण भक्ति रस में पूरा का पूरा डूब जाओगे। इसलिए बोलो कृष्ण, बोले करो कृष्ण शिक्षा। अगर किस चीज को सीखना तो किस चीज की हमें शिक्षा ग्रहण करें, किस चीज की शिक्षा ग्रहण करें, बोले केवल कृष्ण भक्ति शिक्षा करो और किसी चीज की नहीं। बोले क्यों, बोले जगत का जितने डिग्री है ना, ये शरीर छूटने पर सारे डिग्री यहीं रह जाएगी तुम्हारी। इसलिए जब महाप्रभु जो केशव काश्मीर को जय किया है, वो बहुत बड़ा विद्वान था, माँ सरस्वती जिसको स्वयं वरदान दिया है, उनने सरस्वती मंत्र जप करते करते सरस्वती को भसीभूत कर दिया। सरस्वती ने बताया तुमको पृथ्वी में कोई परास्त नहीं कर सकते, क्यों, मैं तुम्हारी जीवा में बैठ करके स्वयं बात करूं। सारा दुनिया को परास्त करते करते आए, और जिसको परास्त करता था उसकी चेला बन जाते थे, हाथी घोड़ा को साथ बैठ करके गाजे बाजा को साथ में जब चलता था, बावारी कौन चल रहा है। इसलिए जब उन्होंने देखा सारा दुनिया को परास्त कर दिया, केवल नवद्वीप धाम को परास्त कर दूं तो पास दुनिया मेरे हाथ की मुट्ठी में आ जाएगी। उस समय नवद्वीप धाम को बहुत बड़ा माना जाता था, कहते नवद्वीप में पढ़ेगा तभी उसको विद्या की रस तभी पूर्ण होता है, विद्या पढ़ना तभी सार्थक था। जब वो नवद्वीप धाम में आए सारे पंडित तो एकदम एकदम हिल गए, जिसकी जिह्वा में सरस्वती स्वयं बैठ कर बात करते उन्हें कौन परास्त कर सकता है, कोई कर ही नहीं सकते, सरस्वती स्वयं जहाँ बोल रही है। बोला अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। बोले देखो एक काम करो, जो निमाई पंडित है ना, चैतन्य महापुर निमाई पंडित, पता नहीं है तो छोटा बच्चा 15-16 साल का, लेकिन कभी कभी यही से हमें प्रश्न करता है, ये प्रश्न का हम जवाब नहीं दे पाते हैं, इसको साथ में भिड़ा दो, अगर वो जीत जाएगा तो बोलेंगे भैया देखो छोटे बच्चे कैसे हरा दिया, हम तो बड़े बड़े पंडित हैं। अगर वो हार जाएगा ना, बोला बच्चा तो हार गया तो क्या हो गया, हम बात बात में बात को उड़ा देंगे। जो महाप्रभु को साथ में उनका भिड़ा दिया है, महाप्रभु बोले ये सामने जो गंगा बह रही है इसकी स्तुति करो, जैसे आंधी तूफान जैसे झड़ जैसे एकदम झटाझट श्लोक बोलना शुरू किया, कोई याद नहीं करके बना बना करके श्लोक बोले, एक घंटा तक उसने बोला हाँ, जैसे आंधी तूफान जैसे। महापुरुष का जितने सब भक्त लोग बैठे हुए थे ना, सब देख रहे थे, बावारे हमने बड़े बड़े विद्वान देखे, हे भगवान ऐसे विद्वान देखे नहीं। बोले क्यों, वो कौन बोल रही थी, बोले माँ सरस्वती बोल रही थी, माँ सरस्वती बोल रही थी। लेकिन महाप्रभु ने एक श्लोक को उठा करके हैं, महाप्रभु बोले देखो आप तो कहो श्लोक ही श्लोक बोले, लेकिन यहाँ पर तो कोई श्लोक समझे नहीं इतना, अगर आप थोड़ी सी व्याख्या करके अगर बोलता है ना सबको थोड़ा समझे में आता, आप क्या बताना चाह रहे थे। वो पंडित सोच रहा था महाप्रभु को बात बात में परास्त कर दूं, बोले कैसे, बोले आप ही बताओ कौन सा श्लोक को मैं व्याख्या करूं, मैं तो झट जैसे बोल गए ना 100 श्लोक बोल गया, अभी जब पूछूंगा कौन सा श्लोक बोलूं, वो थोड़ी उनको याद रहा था, सुनकर थोड़ी याद कर देगा, वो अपने आप परास्त हो जाएगा। लेकिन महाप्रभु तो सरस्वती का पति, वो तो सरस्वती का पति है। महाप्रभु ने एकदम बीच से एक श्लोक को उन्होंने उठा करके बोले ये श्लोक को आप व्याख्या करो। वो तो बड़े आश्चर्य में हो गई, बोले मैं झड़ जैसे मैंने बोल गया बीच में, आप एक 4 लाइन का इतना बड़ा श्लोक को आप कैसे याद कर लिए। महाप्रभु ने कहा देखो जैसे तुम सरस्वती की कृपा से इतना बड़ा पंडित है, कोई भी तो ऐसे हो सकता, सरस्वती की कृपा से कोई श्रुतिधर तो हो सकता है, श्रुतिधर मतलब होता है जो एक बार सुने और उसको याद कर ले, केवल एक बार सुन करके उसको याद कर ले, ऐसे भी कोई जगत में कोई हो सकते हैं। फिर तो उन्होंने जो व्याख्या किया महाप्रभु ने,
इतने दोष उन्होंने दिखा दिया सभी को सामने, महाप्रभु इतने बेजिद कर दिया आप सभी को सामने, उनका सर नीचा हो गया। बोले मैंने इतने गलत कैसे बोल दिया, इतने गलत कैसे बोल दिया। महाप्रभु ने देखा तो बुरी तरह से परास्त हो गया। अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति होना सभी के सामने अगर उसको अपमान कर दिया जाए वो मृत्यु के बराबर। महाप्रभु बोले पंडित जी कोई चिंता मत करो, आज जाओ फिर कल आओ, फिर दोनों बैठ कर बात करेंगे। उनको मतलब उनको परास्त करते हुए भी महाप्रभु अपमान नहीं किया, महाप्रभु ने सबको सम्मान देते हैं। बोले जाओ कल याद करके आओ, पढ़ करके फिर कल बात करें, कोई बात नहीं। लेकिन उसको तो पता चल गया मैं परास्त हो गया हूँ। अभी उन्होंने गए सोचा शायद माँ सरस्वती मेरे ऊपर नाराज हो गई, तो उन्होंने सरस्वती मंत्र जप करते करते सो गए। बोला अगर किसी बालक को, किसी अगर बड़े विद्वान को पास में अगर परास्त होता, लगता भाई बहुत बड़े कोई विद्वान था कोई बात नहीं, ये छोटा बच्चा भी, ये केवल व्याकरण पढ़ रहा है, ग्रामर पढ़ने वाले, और इसको सामने जब मंत्र जप करते करते सो गए, माँ सरस्वती प्रकट हुई। बोले केशव काश्मीर, केशव काश्मीर, आज तुम्हारी विद्या धन्य हो गया है, विद्या पढ़ना तुम्हारी सार्थकता हो गया। जानते हो आज जिसको साथ में तुम्हारी मुलाकात हुई वो कौन है, वो मेरे पति है। पत्नी कभी भी पति को सामने सर उठाकर कभी नहीं बोलती है, पति को सामने पति पत्नी हर समय सर नीचा करके बोलती हैं, हैं? इसलिए तू तो बोलता नहीं था, बोलती थी मैं, वो जो महाप्रभु है ना गौर नारायण है, वो मेरे पतिदेव है। तू जो मेरे पति को सामने तर्क करने के लिए गया मुंह उठा करके बोलती थी तो मैं बोलती थी, इसलिए मेरे तेरे जीवा से अंतर ध्यान हो गई, अंतर ध्यान हो गया, तेरे बुद्धि गया, इसलिए परास्त हो गया। देखो मेरी जो कृपा है ना दो तरह के, मैं जिसको सही सही कृपा करती हूँ उसको भगवान तक पहुंचा देती हूँ। विद्या वधु जीवनम, विद्या रूपी बहू का जीवन क्या है, बोले भगवान की भक्ति भजन, मतलब विद्या पढ़ करके सारा दुनिया को डिग्री को प्राप्त कर लिया। इसलिए मीरा कहती हैं पोथी पढ़ी पढ़ पढ़ मुआ भय पंडित ना भयो कोई, ढाई अक्षर प्रेम सो पढ़ा से पंडित भाई। कहते पंडित किसको कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ करके हैं, कोई पंडित नहीं होते हैं, पंडित उसे कहते हैं जो प्रेम जो ढाई अक्षर जो पढ़ लिया ना जगत में वही सही पंडित है, हैं? इसलिए बेटा मैं जिसको ऊपर कृपा नहीं करती हूँ केवल जगत का डिग्री दे देता हूँ। अरे हमने एमए, कोई पीएचडी, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर डॉक्टर बनकर के केवल हमने डिग्री दे दिया, संसार का डिग्री पाकर क्या कर रहे हैं, गधा जैसे दिन भर काम करते हैं, हाँ? जैसे देखना एक घोंसले से एक चिड़िया सवेर घोंसले से निकल जाएगा, दिन भर खा खा पी करके फिर आकर उसे घोंसले में घुस जाएगा, रात सोएगा फिर सवेर फिर जाओ। जीव ऐसे ही क्या करता है, दिन भर काम काम करो, 8-10 घंटा काम करो, फिर आकर घर में नहीं रसोई बनानी, फिर रसोई बनाओ, बच्चों को देखो, फिर मार्केटिंग है नहीं, जाओ मार्केटिंग करके ले आओ, हैं? दिन भर क्या करता है, अब करता है क्या, इतना लिखाई पढ़ाई करके संसार में वो गधा बन जाता है। इसलिए भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं गर्धवे रमत आमी करी परिश्रम कार लागी एत करी ना घोची ल भ्रम। भक्ति मनोहर ठाकुर कह रहे हैं जैसे गधा दिन भर पीठ के ऊपर में डाल चाल सब्जी ढोता है लेकिन उसको मालिक कभी एक गिलास शरबत नहीं पिलाता है, कभी तेरे को थोड़ा पराठा नहीं खिलाता है, ब्रेड नहीं खिलाता है, वही घास ही खाओ। कहते हम भी संसार में दिन भर गधे जैसे दिन भर काम करते हैं, काम करते करते सबका डंडा खाती है, जिस बच्चे का पालन करके बच्चे का भी गाली सुनो, पति की सेवा करके पति का भी गाली सुनो, परिवार का सेवा करके पति परिवार का भी गाली सुनो, सबका सेवा करो सबका गाली सुनो, हैं? इसलिए गर्धव और मत मतलब होता है कार लागी एतो करी ना कुछ लभ्रम, मतलब है तुम किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, संसार में कौन किसका, 2 दिन बाद में सारे संबंध टूटने वाले, 1 दिन सबको छोड़कर संसार से जाने वाले, संसार में तो कोई किसका है ही नहीं, हाँ किसे रे संसार यही छायावाजी प्राय,
इहाते ममता करी वृथा दिन जाए। भक्तिमन ठाकुर कहते हैं किसे अरे संसार है, इस संसार किस किसका संसार है, किस चीज का संसार, छायाबाजी प्राय, छायाबाजी मतलब झूठा है, इस संसार झूठा है। और इहाते ममता करी वृथा दिन जाए, तुम जो ममता जो प्रेम है दुनिया को कर रहे हो, तुम्हारी समय बर्बाद हो रहा है। क्यों, जगत में कोई किसका है ही नहीं, ये तो धर्मशाला है। जैसे किसी होटल में रोके कोई अलग, तुम कहाँ, जर्मनी, बोले तुम फ्रांस, बोले तुम अमेरिका, बोले तुम कहाँ ऑस्ट्रेलिया से, जैसे गल्प मार गप बैठ कर गप्पे मारे, बस सबरे होते अपना अपना घर में, केवल हम यहाँ गप्पे मार रहे हैं, तुम कौन, बोले बीबी तुम्हारा, बोले तुम कौन, बोले पत्नी, बोले तुम कौन, बोले तुम्हारे पति, बोले तुम कौन, बोले मैया, बोले तुम कौन, बोले तुम्हारे बेटा बेटी, ये गप्पे मार रहे हैं केवल बैठ कर, कोई किसका है नहीं, जिसका जब समय आएगा बस, जैसे ट्रेन में जाते हैं ना टिकट बना करके, कहाँ तक बैठेंगे, जहाँ तक टिकट है, फिर उतर गए, वहीं से उतर। इसलिए यहाँ पर सरस्वती कहती हैं, बोले बेटा जिसको मैं कृपा नहीं करती ना, केवल दुनिया की केवल थोड़ा डिग्री दे देती हूँ, और डिग्री देकर गधे गधे जैसे दिन भर काम करो, अब मर जाओ और संसार मर कर छोड़ कर चले जाओ, लेकिन मैं जिसको पर सही सही कृपा करती हूँ, क्या करती हूँ, विद्या का जो असली फल है, विद्या बधु जीवनम, बीद मतलब होता है जानना, अगर लिखाई पढ़ाई करके अगर भगवान को अगर कोई जान लिया तो बेटा तभी विद्या पढ़ने का सार्थकता है, तभी सार्थकता, जानते हो आज तेरे जिसको साथ में मुलाकात हुई कौन है, वो मेरे पति है, वो स्वयं भगवान नारायण है, जाओ उनकी शरण में जाओ। सरस्वती माँ स्वयं बताए, फिर तो सबेरे सबेरे भगे महाप्रभु का चरण में गिरे, महाप्रभु बोले पंडित जी आप क्या कर रहे हो, आप इतने बड़े विद्वान, बोले प्रभु आज मेरे आंख खुल गया, नेत्र खुल गया, माँ सरस्वती स्वयं मेरे को ये बात बताए, आप सरस्वती का पति हो प्रभु, मेरे को कृपा करो। फिर महाप्रभु कह रहे हैं, बोले देखो पंडित जी, ये देह छाड़िया चली ले, विद्या बा पौरुष संग किछु नहीं चले, जब ये शरीर तुम्हारी छूट जाएगी, तुमने जो इतने डिग्री है ना तुम्हारी, इतने जो PhD MA जो जितने डिग्री, वो सब डिग्री यहीं रह जाएगी तुम्हारी, कोई डिग्री तुम्हारे साथ नहीं जाएगी तुम्हारी, विद्या बा पौरुष संग किछु नहीं चले, एतक महा तो तुम्हें सर्व परिहरी, भजन ईश्वर चित्त दृढ़ चित्त करी। इसलिए जो महांत जो महान व्यक्ति क्या करते हैं, वो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की, इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति है ना, भले ही जीवन में जो कुछ कर लो करना कर लो, लेकिन जब अंतिम समय आता है, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं जलाने के लिए, बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई वाह झूठा है, बोले बेटा जितने राम कृष्ण का नाम लिया वही तेरे साथ जा रहे हैं, और जो कुछ तुमने किया पहले झूठे में बिताया, पत्नी रो रो कर दरवाजा तक आएगी, आगे नहीं आएगी तुम्हारे साथ में, परिवार आएगा तो शमशान तक आएंगे, वहां से कोई नहीं जाएगा, 8-10 दिन कुछ करेंगे बस क्रिया हो गया, 8-10 दिन बार के बाद क्रिया सत अपना कर्म क्रिया कर दिया, सब भूल जाएंगे तुमको, सब खत्म, तुम्हारी सारे जितने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई दुनिया सब वही खत्म। लेकिन महाप्रभु कहते हैं, हम कहते हैं ना, हम तो बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनेंगे, हम लोगों का जो भावना है हम बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनेंगे, भैया जो 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे, अभी दुनिया उसका कोई नाम ले रहा है, कोई कोई नहीं ले रहा है, कहते हीरो बन तो हनुमान बन करके दिखाओ, हीरो बन तो ध्रुव बन करके दिखाओ, हीरोइन बन तो गोपी जैसे हीरोइन बन करके दिखाओ, मीरा जैसे हीरोइन बन कर दिखाओ, हैं, इसलिए कहते ये कब आए, 1000 साल पहला है, करोड़ साल पहले ये लोग आए, अभी भी इनका नाम जगत में हो रहा है, जगत उसका पूजा कर रहे हैं घर घर। इसलिए महाप्रभु कहते हैं अगर प्रतिष्ठा बनना चाहते हो जगत में, भगवान की भक्त अगर एक बार बन गया ना, जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक तुम्हारी याद करते रहेंगे। जैसे भारत का प्राइम मिनिस्टर मोदी, तब तक 5 साल बाद अगर हट जाएगा ना, फिर दुनिया कोई नहीं पूछेगा उसको, पहले मनमोहन सिंह था, अभी कौन पूछ रहा है, कुछ कोई नहीं पूछ रहे, कोई कोई महत्व नहीं है, हैं। इसलिए ये जगत का जितने डिग्री जितने पोस्ट इतने खत्म हो जाती है, इसलिए कहते हैं बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, अगर कोई चीज को शिक्षा पाना चाहते हो केवल कृष्ण भक्ति की शिक्षा प्राप्त करो, इसी से ही जीवन धन्य हो जाएगा।
इसलिए हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु को उनने दरवाजा दरवाजा में भेजे और बोले यही चीज की भिक्षा मांग करके लाओ हैं बस। इसलिए फिर कल सुनेंगे फिर हरिदास ठाकुर फिर क्या करते हैं आगे जा करके हैं, क्या जा करके भिक्षा मांगते हैं, कैसे जगाई माताई से भेंट होता है, फिर जगाई माता के साथ में लीला होता है, फिर महाप्रभु को साथ में बैठे करके जगन्नाथपुरी में उनके अंदर में क्या डिस्कशन करते हैं, हैं? आपस आपस में क्या डिस्कशन करते हैं, फिर ये बात को कल हम लोग सुनेंगे। ठीक है, बोले नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवेच्छ दत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल।